छतरपुर में जमीनी विवाद पर एक अधेड़ की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। घटना भगवा गांव के पटिया गांव की है, जहां बीती रात गांव के दबंगों ने रकुआ अहिरवार की लाठी डंडों से पिटाई शुरू कर दी। रकुआ को पिटता देख उसके परिजन उसे बचाने पहुंचे तो इन दबंगों ने उसकी भी पिटाई कर दी। घटना के समय कई राउंड गोलियां भी इन दबंगों ने चलाई, जिसके बाद दोनों घायलों को जिला अस्पताल लाते समय रास्ते में रकुआ अहिरवार की मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के बाद अस्पताल में भारी पुलिस बल तैनात हो गया है। पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत पर आधे दर्जन आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। कल रात में हम लोग को लगभग 11:30 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि पटिया गांव में लगभग कुछ लोधी, 4-5 लोधी लोग थे और दो अहिरवार लोग थे, इनके बीच में आपस में बात हो गया जमीनी विवाद को लेकर के। तो हम लोग पहुँचे थे तो वहाँ पे 5-6 लोधी लोग थे जिन्होंने दो अहिरवार वालों के उनको मार दिया था, तो जिसमें चोट वगैरह ज़्यादा आई थी तो लेकर के तुरंत हम लोग अस्पताल में गए। फिर रेफर वहाँ से बड़ा मिला, सभी रेफर हुआ तो लेकर के आ रहे थे रास्ते में। रात में हमारा पुराना ज़मीन का विवाद था सर, तो रात में उन्होंने हमारे पापा पर बंदूक से फायर किया सर और कुल्हाड़ी बका से उनको मारा। बोलते रहे, फिर पुलिस को फ़ोन लगाया, पुलिस लेके बड़ा मलया अस्पताल लेके आई सब, बड़ा अस्पताल में 1 घंटा वो जिंदा रहे बोलते रहे, लेकिन पुलिस ने ना ही तो हमको वीडियो बनाने दिया ना ही उनको बयान तहसीलदार साहब से लिए गए। और वो 1 घंटे बाद हम रास्ते में गुलगंज के लाते हुए रास्ते में वो ख़त्म हो गया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।